बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग ये तो कहते हैं कि हमें ऊ प्रोग्रामिंग सीखनी है, ठीक है, लेकिन हमें ऊ प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए, वजह क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका एडवांटेज क्या है कि हम ऊ प्रोग्रामिंग को सीख लें तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ऊ प्रोग्रामिंग, आपको मैं आज साफ क्लियर कट बता देता हूं कि जो ऊ प्रोग्रामिंग है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये एक टेक्निक है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, ठीक है, और जो कि C++ और जावा वगैरह पर अप्लाई होते हैं। अब जब आप ऊ प्रोग्रामिंग सीखेंगे आपको किसका क्या फ़ायदा होगा, आपको इसका ये फ़ायदा होगा। अब देखिए, बज़ा औक़ात ऐसा होता है कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो स्क्रीन पे एक मैसेज को प्रिंट करवा रहा होता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमने इस फंक्शन की मदद से स्क्रीन पे एक मरतबा तो मैसेज प्रिंट करवा दिया, अब हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे 2, 3, 4, 5 मरतबा मैसेज को प्रिंट करवाएं, तो क्या उसके लिए हमें फंक्शन को दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या उस फंक्शन को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं। इनहेरिटेंस, इसमें ऊप का एक इम्पोर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं, ये इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, कि मतलब कि जो आपने फंक्शन या जो चीज़ एक मरतबा बनाई हुई है उसे आप बारहा मरतबा कहीं पर भी रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फीचर्स है कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, कि आपको एक मेथड, एक सीक्वेंस मिल जाएगा प्रोग्राम को इफिशियंट तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऊप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि अब जैसे देखें ना, कैलकुलेटर है, ठीक है। अब कैलकुलेटर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो हमसे छुपा दिया गया होता है, कि उसका हमें उसके बारे में हमें कोई चीज का पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, लेकिन उसकी जो बाहर की शक्ल सूरत है हमें बस वही नजर आ रही होती है। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमने कोडिंग की है यूजर को उससे कोई गर्ज ना हो, ठीक है। उसे तो उससे गर्ज होनी चाहिए जो वो प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग है, ये इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऊप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब के फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए क्या होता है, उसके जरिए यही होता है कि मतलब देखे ना, अब जैसे एक औरत होती है, एक औरत कहीं पे किसी की बीवी हो सकती है, वो औरत कहीं पे किसी की बहन भी हो सकती है, वो औरत कहीं पे किसी की माँ भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कि औरत एक ही होती है, वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट काम सर अंजाम दे रही होती है। तो इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि जैसे हम एक ऐसा कोई फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम तो सेम होता है, वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहा होता है। जैसे कि हम एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं शेप्स के नाम से, अब शेप का फंक्शन क्या करेगा, शेप एक ही फंक्शन होगा शेप का, वो कहीं पे रिक्टेंगल बनाएगा, कहीं पे ट्राइंगल बनाएगा और कहीं पे सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो मींस कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करती है, हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इफिशियंट वे प्रोवाइड करती है। इसकी मदद से क्या होगा कि हमारी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगी, और जब ईजी हो जाएगी, इनहेरिटेंस जो इसका फीचर जो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, रीयूजेबिलिटी की मदद से एरर के चांसेस हमारे प्रोग्राम में कम हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा बस ये चीज़ समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। अगर आपको वाकई में इस ट्यूटोरियल में से कोई बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कर दें मेरे चैनल को, और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।